हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं हिंदी में निबंध आँखों देखा मैच। तो चलो करते हैं स्टार्ट। आँखों देखा मैच, क्रिकेट का आँखों देखा मैच। आधुनिक युग में खेलों का विशेष महत्व है। खेलों की प्रतियोगिताएं स्कूल, जिला, राज्य, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। एशियन गेम्स तथा ओलंपिक गेम्स से सभी परिचित हैं। पीटी उषा का नाम तो सभी जानते हैं, ध्यान सिंह के नाम से भी सभी परिचित हैं। खेल जगत में आज क्रिकेट आकर्षण का केंद्र है। क्रिकेट के अतिरिक्त और भी बहुत खेल हैं, जैसे टेनिस तथा फुटबॉल का देशों में विशेष आकर्षण है। क्रिकेट चाहे सभी राष्ट्र नहीं खेलते हैं, फिर भी लोगों में इसका बड़ा आकर्षण है। क्रिकेट ने तो लोगों को दीवाना ही बना दिया है। आज के युग में भी प्राय एक दिवसीय मैच ही खेले जाते हैं। पहले और भी 5 दिवसीय मैच खेले जाते हैं, लेकिन उनमें लोगों की रुचि घटती जा रही है। 1 दिवसीय मैच में निर्णय अवश्य निकलता है। इस मैच का आयोजन हमारे स्कूल के मैदान में किया गया था। हमारे स्कूल की टीम एक अच्छी टीमों में गिनी जाती है, लेकिन इस बार डीएवी स्कूल की टीम भी किसी से कम नहीं थी। हमारे स्कूल की टीम का कप्तान रोशन तथा दूसरी टीम का कप्तान मोहन था। इस मैच को देखने के लिए दूसरे स्कूलों के बच्चे भी आए हुए थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस खेल का उद्घाटन करना था। दोनों टीमें ठीक समय पर मैदान में आ गई और उनका परिचय शिक्षा अधिकारी से करवाया गया। दोनों एम्पायर जो अपनी वर्दी में थे ने आकर पिच का निरीक्षण किया। दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस के लिए बुलाया गया। हमारे स्कूल के कप्तान ने टॉस जीत लिया और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया। हमारे कप्तान रोशन हाथ में चमकती हुई गेंद लेकर मैदान में उतरे। उन्होंने पहले आकर फील्डिंग सेट की तथा डीएवी स्कूल के सलामी बल्लेबाज लहराते हुए मैदान में आए। लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। हमारे स्कूल की टीम का कप्तान रोशन गेंद फेंकने के लिए तैयार था और दूसरी टीम का सलामी बल्लेबाज गेंद का सामना करने के लिए तैयार था। हमारी टीम के कप्तान रोशन ने पहले ही ओवर की 4थी गेंद पर विकेट हासिल कर ली। विरोधी टीम ने पहले ओवर में कोई भी रन नहीं बनाया था। अब विरोधी टीम का कप्तान खेलने के लिए आया। उसने तेजी से रन बिटोरने शुरू किए। विरोधी टीम ने 22 ओवर में 100 रन बना लिए। अब हमारे स्कूल की टीम ने दूसरे गेंदबाज ने गेंद फेंकना शुरू किया। अगले ही ओवर में उसने उसे पगबांधा करवा दिया। इस प्रकार उसके 2 खिलाड़ी जा चुके थे। उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे वो आते गए और चलते गए। 40 ओवर के बाद उनके केवल 160 रन ही बने थे और 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। अब उनका उप कप्तान मैदान में आया। उसने अपनी टीम को संकट से निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन वह भी सफल ना हुआ। 50 ओवरों में उनके केवल 220 रन ही बने थे। हमारी टीम को मैच जीतने के लिए पूरे रनों की ज़रूरत थी। अब हमारे बल्लेबाज की बारी थी।
पहले ही ओवर में हमारा स्कोर 8 रन था। दूसरे ओवर में हमारे एक सलामी बल्लेबाज ने छक्का जड़ दिया। दो ओवरों में बिना किसी नुकसान के हमारी टीम का स्कोर 22 रन था, हमारे स्कोर 50 रन था। 20 ओवरों के बाद हमारी टीम का स्कोर 105 था और 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तब कप्तान ने बखूबी से अपनी टीम को संकट से निकालते हुए धीरे धीरे रन बटोरते रहे और अंतिम ओवर दो गेंद रहते मैच जीत लिया। हमारी टीम की विजय पर स्वागत तालियों से किया गया। शिक्षा अधिकारी ने हमारी टीम के कप्तान तथा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी को नगद 1,000 रुपये पुरस्कार में दिया गया। अंत में जिला शिक्षक अधिकारी ने टीम तथा खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया और इस प्रकार यह समारोह संपन्न हुआ। इस लेख में बच्चों, हमें खेल का उद्देश्य केवल मैच जीतना ही नहीं होना चाहिए। खेलों से अनुशासन की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार के आयोजन से खेलने की भावना को बल मिलता है। खेलों के महत्व को समझते हुए वास्तव में खेलों को अनिवार्य विषय बनाना उचित है। यह मैच मेरे देखे हुए मैचों में विशेष स्मरणीय मैच बन गया है, एक यादगार मैच बन गया है। तो बच्चों, ये था हमारा आँखों देखा मैच क्रिकेट का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर।